इकोसिस्टम नेचर का एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर जीव जंतु एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और सब केवल एक दूसरे के साथ ही इंटरेक्ट नहीं करते बल्कि पर्यावरण में मौजूद जितने भी सारे एबायोटिक फैक्टर्स हैं उनके साथ भी ये लोग इंटरेक्ट करते हैं एंड सब कुछ मिला के एक बबल ऑफ लाइफ फॉर्म करते हैं जो कि पर्यावरण के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन आज मनुष्य की वजह से ये पूरा इकोसिस्टम खतरे में है, और सिर्फ इकोसिस्टम में नहीं बल्कि इसमें मौजूद जितने भी सारे जीव जंतु हैं वो भी आज खतरे में हैं। वैसे पर्यावरण जैसी बोरिंग टॉपिक्स के बारे में कौन ही आलोचना करना चाहता है। हिपोक्रेसी देखिए, हम जैसे इंसानों की वजह से ही ये पशु पक्षी इतने मुश्किलों में हैं, और आज हम ही लाखों करोड़ रुपए खर्च करके इनको बचाने में तुले हुए हैं। हम जैसे इंसान ऐसे ही हैं, जब तक हम लोग कोई भी चीज़ खो नहीं देते तब तक हमें उस चीज़ के मूल्य पता नहीं होता। आज जब बहुत सारे एनिमल स्पीसीज विलुप्त होने के कगार में आ चुकी है तब जाके हमें ये रियलाइज़ हो रहा है कि हम कितनी गंदी काम कर रहे हैं, हम कितनी बुरी तरीके से पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहे हैं। काश ये हमें थोड़ी पहले पता चल जाता तो शायद आज तक इतने सारे स्पीसीज विलुप्त नहीं होते या फिर उसके कगार में नहीं पहुँचते। एनिमल्स हमारे नेचर को बैलेंस करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगर ये एनिमल्स कल को विलुप्त हो गए तो हमारा नेचर पूरी तरीके से इम्बैलेंस हो जाएगा, और यही नेचर अपने आप को बैलेंस करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, किसी भी हद तक, और शायद उसके लिए हम कभी तैयार ही ना हो। इंसानों के द्वारा आज तक किया जाने वाला सबसे घटिया काम है डिफॉरेस्टेशन। मतलब हम लोग पृथ्वी के फेफड़े को ही काट कर फेंक रहे हैं। क्या इसके बाद हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस धरती में इतने सामान्य रूप से ऑक्सीजन रहेगा जो कि मनुष्य के सर्वाइवल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। देखो आज भी हमारे पास बहुत समय बचा है, अगर हम आज भी चाहें तो पर्यावरण को बचा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम सबको एक साथ मिल के बहुत काम करना पड़ेगा। अगर हम आज ही से स्टेप नहीं लेंगे तो आने वाले कल बहुत ही भयानक होने वाला है जिसके लिए हम कभी भी तैयार नहीं हो सकते। अभी हम लोग जा रहे हैं सिपाही जल ज़ू में, और अभी हम लोग जो मेन गेट है वहाँ पर उससे एंट्री ले लिया, और उस मेन गेट से जो मेन ज़ू है वहाँ तक जो डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर है। तो अभी भी और 2 किलोमीटर हमें पैदल चल के जाना पड़ेगा, 1 किलोमीटर हम लोगों ने ट्रैवल कर लिया है। पर्यावरण और जीव जंतु को बचाने से पहले हमें उनके बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, एंड इसी वजह से आज हम आ चुके हैं सिपाही जल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जहाँ पर हम तरह तरह के पेड़ पौधे और पशु पक्षी को देखेंगे एंड इनके बारे में जानकारियाँ हासिल करेंगे, एंड मेरे साथ साथ आपको भी बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो इस सफ़र में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कौन कौन है बताइए। ये देखिए कौन कौन है, यही 2 लोग हैं मेरे साथ आए हैं इस सफ़र में। तो अभी हम लोग एक शेड के अंदर हैं, यहाँ पर हम लोग थोड़े बहुत चिप्स वगैरह और पानी खाएंगे और थोड़ा रेस्ट करेंगे, इसके बाद हम आगे का सफ़र तय करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर एक साइन बोर्ड है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्री जोन। अभी आपको मैं कुछ दिखाने वाला हूँ, आप देखेंगे तो शायद शॉक हो जाएंगे। ठीक है, बाहर ये भी लिखा था कि अल्कोहल अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए, देख सकते हो आप लोग। तो ये जो साइन बोर्ड्स है ये सब नाम के हैं, लोग इसको बिल्कुल भी नहीं मानते और वो सब कुछ करते हैं जो यहाँ पर अलाउ नहीं है। तो इसके बाद हम लोगों ने थोड़े बहुत पानी पिया, यहाँ पर बैठ के थोड़े बहुत चिप्स खाया, एंड यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। लोग आपको बहुत कुछ बोलेंगे लेकिन आपको वही काम करना है जो कि सही है। मेरा मतलब है कि ये जो चिप्स के पैकेट्स, कोल्ड ड्रिंक के बॉटल्स है, ये आपको इधर उधर नहीं फेंकना है, एक जगह में स्टोर करके रखना है एंड इन्हें सब डस्टबिन में ही फेंकना है। दोस्तों हमारा अभी खाना वाना एकदम कम्प्लीट हो चुका है, यहाँ पर थोड़ा बहुत हमने रिफ्रेशमेंट लिया और अभी हम फिर से पैदल चल पड़े बसें,
और आप लोग देख सकते हो कि मेरे साथ ये लोग भी पैदल चल रहे हैं। और ये पहली बार है कि मैं ऐसे पैदल जा रहा हूँ। ये सिपाही जला जो ज़ू है, जो पूरा रास्ता है ना, वो पहली बार इस तरीके से मैं पैदल जा रहा हूँ। पहले कभी नहीं गया। पहले हम लोग नॉर्मली ऑटो लेकर ही यहाँ पर जाते थे, सामने से ऑटो मिल जाता था। लेकिन अभी हम लोग इंटेंशनली पैदल चल के जा रहे हैं। दोस्तों गूगल मैप्स बता रहा है कि अभी भी 1.9 किलोमीटर हमको पैदल चल के जाना पड़ेगा। ये आप लोग देख सकते हो, इधर है वो वाला मेन रोड एंड इधर से एक गेस्ट हाउस भी है, आप यहाँ पर रुक भी सकते हो। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक टॉय ट्रेन है। मुझे ऐसा लगता है कि इसका कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। अगर इसका कंस्ट्रक्शन शुरू होता ना तो भाई अलग ही लेवल का मज़ा आता। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हम यहाँ पर अभी खड़े हुए हैं एंड ये टॉय ट्रेन अभी इधर है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कभी कभार ना थोड़ा स्लो चलना भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें नोटिस कर पाते हो। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को कभी नोटिस ही नहीं किया होगा, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द पीपल तो ऑटो से ऐसे चले जाते हैं मेन जू में। बट खैर, हमारी आंखों की नज़र में ये आ गया। आखिरकार 3.5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम जूलॉजिकल पार्क के सामने पहुंच ही जाते हैं। अब बारी है तरह तरह पेड़ पौधे और पशु पक्षी के बारे में हम जानकारी हासिल करें। सिपाही जला जूलॉजिकल पार्क जिस एनिमल के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है ये क्लाउडेड लेपर्ड। IUCN रेड लिस्ट के मुताबिक ये स्पीसीज़ बहुत ही असुरक्षित है। इन स्पीसीज़ को बहुत ही स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। कई कई देशों में तो ये स्पीसीज़ ऑलरेडी एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ चुकी हैं। ये है चश्मा बंदर, जो कि त्रिपुरा की खूबसूरती है, त्रिपुरा का शान है ये बंदर। IUCN स्टेटस ये कहता है कि इन स्पीसीज़ को कभी भी थ्रेटेंड नहीं किया गया, लेकिन इनकी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से घट रहा है। दो साल पहले जब मैं लास्ट टाइम सिपाही जला आया था तो यहाँ पर टाइल्स के रोड नहीं थे। अब तो सारे रोड्स में ही टाइल्स बिछा दिए गए हैं। जो बैरिकेड्स हैं उनको नई तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है, और जो लायंस और जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं उनको हम बहुत ही अच्छे तरीके से व्यू कर सकते हैं। बस जो बर्ड्स वाला सेक्शन है वहाँ पर बहुत सारा जाली है, तो शायद आप सारे बर्ड्स को ठीक तरीके से नहीं भी देख पाएंगे। Thank you.
दोस्तों उधर शेर खाना खा रहा है और इधर हम लोग चिप्स खा रहे हैं। हम भी तो शेर है कि नहीं। सो इधर हम लोग थोड़ा बहुत चिप्स पार्टी कर रहे हैं और इधर शेर को अभी खाना दिया जा रहा है। हा का मौसम काफ़ी साफ़ है दोस्तों, ज़्यादा सनी भी नहीं है और ज़्यादा क्लाउडी भी नहीं है और बारिश भी नहीं हुआ, तो सबसे अच्छा वेदर है आज का। शायद हमारा किस्मत बहुत अच्छा है इसलिए इतनी अच्छी तरीके से हम लोग सारी चीज़ें देख पाए हैं अभी। इन दोनों को देखने के बाद तो ऐसा ही लग रहा है कि कोई भाई या बहन चॉकलेट के लिए लड़ाई कर रहा है। एनिमल्स के बीच इस तरीके का फाइट ज़्यादातर देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन पहली बार ऐसा देख रहा हूँ और ये सुनहरा पल हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। और इधर तो कुछ और ही सीन चल रहा है, लगता है कि इनके भाई और बहन झगड़ा कर रहे हैं इसलिए ये डर के मारे घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर जा नहीं पा रहा है बेचारा। मैंने पहले ही कहा था कि बर्ड सेक्शन ठीक तरीके से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत सारी जालियां हैं, लेकिन एक बर्ड है जिसे आप बहुत ही क्लियरली देख सकते हो, वो है ये पेलिकन बर्ड। हाँ, ये वही पंछियां हैं जिन्हें लगता है कि वो कुछ भी खा सकते हैं और ये पागलों की तरह सबको खाने के लिए आते हैं, क्योंकि इनका जो मुँह है ये बहुत बड़ा है। इसके पीछे एक रीज़न भी है, ये उन्हें मछली पकड़ने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। हमने जितना हो सके उतनी सारी बर्ड्स को कैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन ये जाहिर सी बात है कि जाले के कारण उन बर्ड्स को आप ठीक तरीके से नहीं देख पा रहे हो। रेकमेंड मैं यही करूँगा कि आप जाकर ही देखो। सो दोस्तों, अभी हम लोग शिपाहीजला जू से वापस मेन गेट की तरफ जा रहे हैं और इस बार भी हम पैदल से ही जा रहे हैं। रास्ते में अगर कोई ऑटो वाटो मिलता है तो हम ज़रूर लेंगे। तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, पैदल चल के गया और सब कुछ देखा भी। चलो मिलते हैं बाद में, बहुत भूख लगी है दोस्तों। अभी जाने के बाद थोड़ा बहुत खाना वाना तो खाना ही पड़ेगा। भूख लिए मिस्टर सुदर्शन बाबू? हम लोग फिर से पैदल से जा रहे हैं, काश रास्ते में अगर कोई ऑटो मिल जाता तो बहुत ही अच्छा होता। वीडियो के अंतिम चरण पे भी मैं आपको वही मैसेज देना चाहूँगा कि हमें पर्यावरण की रक्षा करना है, ना कि ऐसा कोई काम करना है जिससे कि पर्यावरण को किसी भी तरह की क्षति पहुँचे। और हमें इन वन्य प्राणी और इन पेड़ पौधों को भी बचाना है। हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो तबाह हो जाए या फिर हमारा नेचर में किसी भी प्रकार का इम्बैलेंस पैदा हो।